अरे कैसे ब्रह्मांतर में 13 खगोल विज्ञान उपकरण शामिल है जिनका उपयोग भाई बहुत कंफ्यूज हो गया था निकले तो दोपहर का अच्छी बोली तू तीन बजे ये भाई दिलेर मेहंदी यहाँ से देखती थी नवीन की रानियां पिछले जन्म में झटका तो नहीं लग रहा ना भाई देख के गाड़ी जैसी था भाई ई रिक्शा वो इसलिए भाई फिर तो आपको ना छोटे छोटे बच्चे ये सब ये थे कि पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे इन सम ऑफ द पॉट और रिक्शा में सीधे जाने का ये है सिस्टम यहाँ से जो है ना 8 जगह है जो कि आसपास में है ठीक है एंड ऑल दोज आर विद इन द रेंज ऑफ 8 किलोमीटर तो मेरे हिसाब से भाई रिक्शा में जाना थोड़ा बेटर था बाइक का जब अरे कैसे तो भाई राजस्थान से सभी को राम राम खम्बा खेड़ी बोलते हैं ना सबसे पहला जो स्पोर्ट था इन द रिक्शा ये भाई जंतर मंतर ऑफ जयपुर यहाँ से जो और इन भाई साहब से जो है मदद के लिए टोपी मांग यार कोई पैसा नहीं दिया इसका भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ये भाई साहब है तो अब चले भाई अंदर इस लुकअप में तो जाएंगे नहीं भाई वैसे कैसे लग रहे हैं प्लीज सजेस्ट कैसे टैक्सी एज ऑलवेज तो भाई यहाँ से चलते सीधा अंदर तो भाई यहाँ से जो है वो एंट्री रहेगी जंतर मंतर की सो भाई दिस इज जंतर मंतर अब थोड़ा ना हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं जंतर मंतर जो है भाई 1724 में जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित किया गया था जंतर मंतर उत्तरी भारत में राजा द्वारा निर्मित 5 खगोलीय वेधशालाओं में से एक इसे नंग नाकों से खगोलीय स्थितियों के अवलोकन के लिए डिजाइन किया गया था यह टॉलेमिक स्थितिगत खगोल विज्ञान की परंपरा का एक हिस्सा है जो कई सभ्यताओं में आम था जंतर मंतर में 13 खगोल विज्ञान उपकरण शामिल है जिनका उपयोग ग्रहों सूर्य और चंद्रमा की चाल और समय की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था खगोलीय पिंडों का सटीक अंदाजा पाने के लिए खगोलीय तालिकाएं और चार्ट संकलित किए गए हैं जंतर मंतर के प्रमुख आकर्षण मिश्र यंत्र सम्राट यंत्र और जय प्रकाश यंत्र है सम्राट यंत्र एक बड़ी धूप घड़ी है जो पृथ्वी की धूरी के समांतर खड़ी है और समय की जांच करने में मदद करती है जय प्रकाश यंत्र का आकार गोलार्ध है और इसका उपयोग तारों की स्थिति के चिन्हों के साथ संरेखित करने के लिए किया जाता है इस बीच वर्ष के सबसे छोटा और सबसे लंबा दिनों को खोजने के लिए मिश्र यंत्र का उपयोग किया जाता है ये सभी उपकरण ना बोला सुना दे तो भाई भाई को जो है वो देंगे अपना चश्मा भाई छुड़ाएगा देसी देसी ना बोले अगर है भाई भी अपना हरियाणवी स्टाइल है ये बात हेलो सर अरे बिल्कुल भाई बिल्कुल आपकी इजाजत हाँ लगा लगाओ आ जाओ नवीन जी आइए यहाँ आइए आप कौन सा सुनाए सर देसी देसी सुना दे वो देसी देसी ना बोला कचोरी रे
भाई यहाँ पे जो था वो ना थोड़ा आर्कियोलॉजिकल चीजें ज्यादा थी और बाकी भाई वो आपने देखा ही होगा उधर देसी देसी ना बोल लग रहा और भाई अपना देसी स्टाइल बेला चाओ तो वो कुछ बेहतरीन चीजें थी वो अपने को देखने को मिली। अभी एक जस्ट लास्ट किस तरफ करने की आदत रहती है हमारे नवीन श्री को तो हाँ उस तरफ देख ले भाई। तो भाई स्कूल ही अपने बच्चे आए हुए हैं सारे इधर क्लास टू उधर का थोड़ा रह रहा है जस्ट वी वांट टू हैव अ लुक इधर क्या रहेगा बाकी है अच्छा भाई अच्छा बना रखा है पर सारी वही चीज़ें हैं जो आपको बता रहा था आर्कियोलॉजिकल। तो भाई जो चीज़ आपने बाहर देखी है मैंने तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन जो है वो थोड़ा बहुत किया होगा। अब आपको एक जनरल ब्रीफ दे देता हूँ कि यहाँ पे था क्या। निकले तो दोपहर का अच्छी बोली तू कि ये 3 बजे का समय है और एकदम से अंधेरा कैसे छा गया। अरे सोचा भाई चश्मा हटा के देख लेता हूँ पर ना सच में ही चश्मा जो है वो खराब हो गया भाई। ये अपने लिए थोड़ी इनके लिए हंसी ना बट अपने लिए थोड़ी डिस्टर्बिंग रहेगी बिकॉज वी हैव केम हियर टू एक्सप्लोर द थिंग्स राइट। पर ठीक है भाई जैसे भी जो रहेगा वो करेंगे भाई कौन लड़ सकता है यार। अभी भाई रिक्शा वाले भाई साहब को जो है वापस बुला लिया है कौन सा इंडिया का ही है वो बीच का चक्कर उड़ रहा है भाई और वो पी रेड कलर की ऊपर रेड कलर की पट्टी है। अरे नहीं इंडिया का नहीं है देख आप देखो और किसका है जूम आउट कर रहा नहीं है किसी राजा का होगा ये और वो पीछे फोर्ट है भाई उधर ना वहाँ पे भी जाएंगे बट फिलहाल यहाँ से एग्जिट लेने का हो गया टाइम। इसी के साथ जो है यहाँ पर जंतर मंतर में भगदड़ मस्ती हुई भाई बच्चे भाग गए हैं वो इसलिए अब बारिश आ गई है। हैवी रेन ये देखो भाई मतलब आ जाए और वहाँ कांड ना हो सेकेंड पॉइंट ऑफ द डे हवा महल यहाँ से इधर से एंट्री है। अब यहाँ से चलते हैं भाई अंदर बारिश ने भाई वैसे समा तो बांध समा के चक्कर में ये रहेगा कि लेट नाइट अपने को जहाँ निकलना था ना वहाँ पे थोड़ा डिले हो सकता है या क्या अपना कैंसिल भी करना पड़े तेज बारिश रही तो नहीं बाकी भाई दिस इज फ्रॉम अब आगे का आपको दिखाते। तो भाई ये रहेगी अपनी हवा महल की एंट्री यहाँ से उदास दिल ये भाई किस प्रकार से जो है ना ये 500 पर है पर सामने वाले भी तेज थे भाई उनको पता है कि 50-50 ही देने हैं। आइए
हवा महल की तंग गलियों से होते हुए ये आ गए हम फर्स्ट फ्लोर पे। अभी इधर से आपको नीचे दिखाया था, ये क्या ना पपेट शो का हर एक जगह पे बढ़ा दिया भाई, मतलब सही है यार पैसा कमाने का थोड़ा ना। तो भाई ये हवा महल का थोड़ा अंदर का दृश्य है, भाई आर्ट वर्क विद ग्लासेस एंड कलर्ड ग्लासेस, देखिए कैसे रियल ग्लास है, ग्लास शीट है ना, ग्लास रियल है बिल्कुल, वो सामने आप देख पा रहे होंगे उधर। और ये थोड़ा भाई खुला एरिया, वैसे खुला तो सारा ही है, इसीलिए इसको हवा महल बोला जाता है। अब इधर की अगर आप बात करेंगे यहाँ से बाहर क्या दिखता है वो अभी आपको दिखा, और ये आपको दिखाता हूँ अच्छे से, जैसे एक खिड़की बंद है यहाँ से देखती थी नवीन की रानियाँ पिछले जन्म में। तब नवीन राजा हुआ करता था, तो ये थोड़ी भाई खिड़की और यहाँ से कुछ इस टाइप से जो है। ये थोड़ा हवा महल के अंदर ही है। अब यहाँ पे ये था कि लास्ट, मतलब लास्ट क्या, पुराने टाइम में दिस इज़ हाउ द फाउंटेन्स लुक लाइक, आपको वो होल्स दिख रहे हैं ना, वहाँ से जो है पानी निकलता था। इतने दरवाजे हैं इसीलिए इसको हवा महल कहा जाता है। और इसके अलावा भाई आप अपन सर्वे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से तो इतने एक्सपर्ट तो है नहीं, जितना भी पता है उसके हिसाब से आपको बता जरूर रहा हूँ। हाँ चीज़ें अच्छी हैं ठीक है, बस यहाँ पे एक फ़र्क है कि यह फाउंटेन नहीं है, सेम वही हवा महल भाई। तो वीकेंड हो गया ना इसकी वजह से बहुत खूब बेखूब भीड़ है, बेखूब भीड़ आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये देखो क्या ही आलम है भाई, भीड़ देख रहा है। ये भाई मेरे को लग रहा था ना संगमरमर है पर नहीं, प्लास्टिक शीट्स लगा रखी है भाई फॉर शाइनिंग पर्पस। और एक और तंग गलियों से होते हुए हवा महल की जो है आई गेस दिस विल बी द टॉप फ्लोर। अब यहाँ पे भी वही खिड़की है भाई, तो भाई सब तंग गलियों के बाद ये तंग गली का भी गला है भाई, दो आदमी भी प्रॉपर नहीं निकल पा रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ चलते हैं भाई ऊपर, भाई सिर बचा के चढ़ना पड़ेगा। जी इसी के साथ आपको बताते हैं अब हवा महल की हिस्ट्री। तो भाई इसकी जो संरचना है वो की गई थी भाई 1799 में, और जो कि की गई थी झुंझुनू शहर के संस्थापक महाराजा सवई सिंह जय सिंह के पोते महाराजा सवई प्रताप सिंह द्वारा, ठीक है। वह खेतड़ी महल की अनूठी संरचना से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने इस भव्य और ऐतिहासिक महल का निर्माण कराया था। इसे लालचंद उस्ताद ने डिज़ाइन किया था। इसकी 5 मंजिल है, बाहरी हिस्सा एक छत्ते के समान है जिसमें 953 छोटी खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा कहा जाता है, जिन्हें जटिल झाली से सजाया गया है। झाली डिज़ाइन का मूल उद्देश्य शाही महिलाओं को बिना देखे नीचे सड़क पर मनाए जाने वाले राजमर्रा के जीवन और त्योहारों को देखने की अनुमति देना था। इस वास्तुशिल्प विशेषता ने वेंचुरी प्रभाव के ठंडी हवा को भी गुजरने की अनुमति दी थी, जिससे गर्मियों में उच्च तापमान के दौरान पूरा क्षेत्र अधिक सुखद और हो गया। बहुत से लोग हवा महल को सड़क के दृश्य से देखते हैं और सोचते हैं कि यह महल का अगला भाग है, लेकिन यह पीछे वाला भाग है। 2006 में 50 वर्षों की अंतराल के बाद 4,568 मिलियन रुपए की अनुमिति लागत से स्मारक को नया रूप देने के लिए महल का नवीकरण कार्य शुरू किया गया था। कॉरपोरेट सेक्टर ने जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करने के लिए हाथ बढ़ाया और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के इसके रखरखाव में हवा महल को गोद ले लिया गया था। महल का विशाल परिसर एक विस्तृत हिस्सा है, पत्थर का नक्काशीदार संकीर्ण छोटी खिड़कियाँ और मेहराबदार छत्ते
इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल को कुछ विशेषताएं हैं। स्मारक में लटकते हुए कंगानी का भी सुंदर चित्रण किया गया है। वाह भाई वाह। हवा महल में भाई खूब थी, पर जो है हवा नहीं आ रही थी, जस्ट बिकॉज भीड़ इतनी थी, बिल्कुल पैक्ड वीकेंड टाइम। ध्यान नहीं करी थी, शनिवार है ऐसा हाल होगा भाई, बहुत ज्यादा वो पसीने आ गए। सो भाई दिस विल बी इट फ्रॉम हवा महल। हवा महल में खिड़कियां तो खूब थी, बट हवा नहीं थी, वो आपको बताया मैंने कि क्यों नहीं थी, भीड़ बहुत है। ठीक है, वो सबसे फेवरेट पार्ट यहाँ का रहा भाई, बेहद खूबसूरत, और लोग यहाँ पे अभी भी कंटिन्यूस आ रहे हैं। वी आर रियली शॉर्ट ऑफ टाइम। राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो चलने का समय हो गया है। आगे क्या वो? ठीक है भाई, इसको रील बनाने दे रही। हाँ ठीक है, एक बार भाई की जो है रील बना देते हैं, फिर यहाँ से सीधा कट लेते हैं। तो भाई फिर से वापस जो है रिक्शा में, हवा महल देख लिया है। कौन सा चौक है? बड़ी चौपड़। बड़ी चौपड़ी है, सर्कल को बड़ी चौपड़ बोलते हैं। अच्छा, चौपड़ सिटी का मेन सेंटर है। अच्छा, इस सेंटर में चारों दिशाओं में सड़कें, दुकानें, मकान सब एक जैसी मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे हाँ यहीं से तो गाड़ी लेके गए थे अंदर, है ना? ठीक है, अरे इसके अंदर फॉरी चलते थे, अभी नीचे मेट्रो ट्रेन चलती है। अच्छा, चल रही है मेट्रो? ठीक है, अच्छा आधा मेट्रो भी है। एक चीज़ ज़रूर है कि अगर अपनी गाड़ी से रह रहे होते हैं ना, तो ये तो इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलता। तकरीबन ये लगा लिया कि डेढ़ घंटे हमने देख लिया है। हाँ ठीक है, ठीक है, ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉप। मेरे को खुद को नहीं मिलता, पर भाई को तो चली देनी थी, यहाँ पर थी। हाँ, एक और चीज़ बता रहे अंकल जी, क्या है ये? राजा मानसिंह के टाइम की पुरानी विराम सभा है ये भाई। ये मानसिंह जो राजा थे यहाँ पे, उनकी विधानसभा है वो ऊपर लिखा हुआ है। सो ये मानसिंह टाउन हॉल, ये उनकी विधानसभा थी भाई। दिवाली के ऊपर म्यूजियम चालू हो रहा है, ये 100 करोड़ की लागत से। अच्छा, 100 करोड़ की लागत से है। हाँ भाई, पेंट वगैरह करी दिया है, बाकी बहुत खूब बेहतरीन दिख रहा है। थोड़ा जल्दी आ गए हम, पेंट से पहले आए हैं।